हेलो एवरीबॉडी, शेख एंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, क्यों एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कंसेप्ट को समझना जरूरी है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के लिए, एसपीसी के लिए और कंट्रोल चार्ट्स की स्टडी के लिए। तो यही हमारे इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव भी है कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के स्टडी के दौरान इक्विपमेंट एरर और ऑपरेटर एरर की जब आप स्टडी करते हैं तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट ठीक से क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जब आप केज एंड आर एंड आर की स्टडी करते हैं तब आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और बायसनेस की स्टडी के लिए भी इस कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जब आप एसपीसी में प्रोसेस कैपेबिलिटी की स्टडी करते हैं, इसका मतलब है कि जब आप अपने जो प्रोसेस की एवरेज है उसको ये मेजर करते हैं कि वो टारगेट वैल्यू से कितना दूर है या कितना क्लोज है, तो उसके लिए भी आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंट्रोल चार्ट्स की स्टडी के लिए भी, कंट्रोल चार्ट्स जब आप प्रोसेस कंट्रोल के लिए कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, तो जैसे कि मीन चार्ट है तो मीन चार्ट एक्यूरेसी को स्टडी करने के लिए ही बनाया जाता है कि प्रोसेस के अंदर एक्यूरेसी कितनी मेंटेन हो रही है और प्रिसीजन कितनी मेंटेन हो रही है, इसके लिए रेंज चार्ट बनाया जाता है। तो रेंज चार्ट और मीन चार्ट की स्टडी के लिए आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कंसेप्ट को ही डिस्कस करूंगा और आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें जिससे कि आप इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कंसेप्ट को ठीक से समझ सकें और अप्लाई कर सकें मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में, एसपीसी में और कंट्रोल चार्ट्स की स्टडी में। तो शुरू करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो आपको अपलोड होने का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी क्या है? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन है जो एक्यूरेसी की, वो है द क्लोजनेस ऑफ एवरेज वैल्यू टू द टारगेट और स्टैंडर्ड वैल्यू। ये डिफाइन करता है एक्यूरेसी को। अब इसको ठीक से कैसे समझेंगे? देखिए, एक कस्टमर ने किसी स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्क्रू बनाने का ऑर्डर दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि वो उसे टारगेट हाइट के स्क्रू बनाने के लिए कहेगा। तो वो जो टारगेट हाइट होगी, जिस हाइट के स्क्रू जो है कस्टमर को चाहिए, वो टारगेट हाइट होगी। एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा मान लीजिए कि कस्टमर कहता है कि उसे 10 mm की हाइट के स्क्रू चाहिए, तो स्क्रू बनाने वाली कंपनी 10 mm हाइट के स्क्रू बनाती है, लेकिन प्रोसेस के वेरिएशन के कारण स्क्रू की हाइट एक जैसी नहीं रहती है, वो कुछ ऊपर नीचे रहेगी। ये ऊपर नीचे क्यों रहती है? ये प्रोसेस के वेरिएशंस के कारण रहती है, इसलिए कस्टमर से कुछ टॉलरेंस भी मिलता है। तो अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक सैंपल के तौर पे 10 स्क्रू लिए हैं। इन 10 स्क्रूज की ये अलग अलग हाइट है, 10.42, 10.24, 9.96 और इस तरह से 10 अलग अलग हाइट्स के स्क्रू यहां पर लिए गए। इन सभी हाइट्स की जब एवरेज हाइट निकाली जाएगी या निकालते हैं तो वो आती है 10.079 mm। तो ये जो एवरेज हाइट है और ये जो टारगेट हाइट है, इसके बीच में का जो अंतर है, या जो यूं कहें कि एवरेज हाइट और टारगेट हाइट की जो क्लोजनेस है, उसी से एक्यूरेसी डिफाइन होती है। या यूं कहें, इसके उलट अगर हम कहें कि एवरेज हाइट और टारगेट हाइट का जो डिफरेंस है वो एक्यूरेसी के सफरेंस को डिफाइन करता है।
यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना ही हम कहेंगे एक्यूरेसी हमारी सफर कर रही है प्रोसेस के अंदर। तो अब ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 0.079 mm। तो 0.079 mm हमारी एक्यूरेसी सफर कर रही है, यानी कि अगर सारे के सारे स्क्रू 10 mm हाइट के होते तो हमें हमारी एवरेज वैल्यू भी 10 mm ही आती, जिससे कि हमारी प्रोसेस की पूरी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से सभी पार्ट्स जो है प्रोडक्ट के, सभी पार्ट्स जो है एक जैसे नहीं बन पाते, उनकी डायमेंशन एक जैसी नहीं रहती। तो इसलिए एक्यूरेसी को, प्रोसेस की एक्यूरेसी को इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये एक्यूरेसी को समझने का एक बेहतर एग्जांपल है। अब आते हैं प्रिसीजन के ऊपर। प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ, टेक्निकल जो डेफिनेशन है, क्लोजनेस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज टू ईच अदर, यानी कि जो 10 जो स्क्रूज लिए गए हैं उनकी जो अलग अलग जो हाइट है, इंडिविजुअल्स की जो हाइट है, इनके बीच का, आपस के बीच का जो अंतर है वो डिफाइन करेगा हमारी प्रिसीजन को। यानी कि इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं स्क्रूज की, जो इंडिविजुअल हाइट्स जो हैं, वो जितनी क्लोज होंगी एक दूसरे के, उसी से हमें ये पता लगेगा कि प्रोसेस की प्रिसीजन कैसी है। तो इसके लिए हम देखते हैं, मैक्सिमम हाइट वाला स्क्रू है 10.42 mm का और मिनिमम हाइट वाला स्क्रू है 9.83 mm का। तो इस पूरे सैंपल के अंदर जो मैक्सिमम हाइट के स्क्रू के बीच में और मिनिमम हाइट के स्क्रू के बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.59 mm। तो इस सैंपल के अंदर, इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर हमारी जो प्रिसीजन है वो सफर कर रही है 0.59 mm। यही कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफाइन करेगा हमारे प्रिसीजन की सफरेंस को। यानी कि जितनी ये इंडिविजुअल वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होंगी उससे ही हमें ये पता लगता है कि हमारी प्रिसीजन प्रोसेस के अंदर कैसे मेंटेन हो रही है। अब हाई प्रिसीजन कब होगा, लो प्रिसीजन कब होगा, हाई एक्यूरेसी कब होगी और लो एक्यूरेसी कब होगी, ये इसे समझते हैं। हाई एक्यूरेसी और लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन और लो प्रिसीजन को समझने के लिए हम आर्चर बो टारगेट एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आर्चर बो टारगेट एनालॉजी क्या है? देखिए, ऊपर हेडिंग में हम ले लेते हैं एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, लो एक्यूरेसी, और इधर कॉलम में ले लेते हैं हम हाई प्रिसीजन और लो प्रिसीजन। तो बोर्ड पे चार हमने जो जो आर्चर है वो चार अलग अलग जगह हिट करता है और चारों बार अलग अलग तरीके से हिट करता है बोर्ड पर। तो सबसे पहले लेते हैं ये पहला केस। इस केस में देखिए हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। क्यों? क्योंकि यहां 5 times हिट किया है उसने बोर्ड पर, तो 5 times वो बुल साई को हिट करता है और एवरी टाइम वो बुल साई को ही हिट कर रहा है, यानी कि हर बार वो बुल साई को हिट करता है, 5 times वो बुल साई को हिट करता है। तो हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन। अब आते हैं दूसरे केस में। इस केस में देखिए ये लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन का केस है। यहां पे बुल साई तो एक भी बार हिट नहीं हुई है, लेकिन हर बार जहां पर भी बोर्ड पे उसने हिट किया है वहां एवरी टाइम उसी पॉइंट पर हिट किया है। तो यहां पर यानी कि बार बार उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज जो है क्लोज टू ईच अदर है, लेकिन एवरेज वैल्यू जो है वो टारगेट के पास नहीं है। पहले केस में एवरेज वैल्यू भी टारगेट के पास थी और इंडिविजुअल वैल्यूज भी क्लोज टू ईच अदर थी। इस केस में इंडिविजुअल वैल्यूज यानी कि जो 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 आर्चर जो है हिट कर रहा है वो एक ही पॉइंट पर हिट कर रहा है, लेकिन वो बुल साई को हिट नहीं कर रहा है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज तो क्लोज है एक दूसरे के, लेकिन टारगेट पे हिट नहीं हो रही है। तो यहां पर एक्यूरेसी लो है लेकिन प्रिसीजन हाई है। अब आते हैं तीसरे केस में। यहां देखिए हाई एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन लो है। यहां पे क्या हुआ है कि आर्चर ने बुलसाई के आसपास हिट किया है, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो इस केस में प्रिसीजन भी लो हो गया, प्रिसीजन लो हो गया लेकिन एक्यूरेसी हाई हो गई, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्लोज टू द टारगेट है लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज क्लोज टू इच अदर नहीं है। अब आते हैं चौथे केस में। फोर्थ केस में क्या है? इंडिविजुअल वैल्यूज भी एक दूसरे के क्लोज नहीं है
और बुल साई भी हिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एवरेज वैल्यू टारगेट के क्लोज है और ना ही इंडिविजुअल वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है। तो इस आर्चर बो टारगेट एनालॉजी से हम ये समझ सकते हैं कि कब हमारी एक्यूरेसी हाई होगी, कब हमारी एक्यूरेसी लो होगी, कब हमारी प्रेसिजन हाई होगी और कब हमारी प्रेसिजन लो होगी। अब कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से हम ये स्टडी करेंगे कि कब हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, कब हमारी एक्यूरेसी हाई हो रही है और कब हमारी एक्यूरेसी लो हो रही है। इसी तरह से कब हमारी प्रेसिजन हाई हो रही है, कब हमारी प्रेसिजन लो हो रही है। तो सबसे पहले मेन चार्ट और एक्यूरेसी। मेन चार्ट बेसिकली एक्यूरेसी प्रोसेस की एक्यूरेसी को ही मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए यहां पर ये एक मेन चार्ट मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये 16 सैंपल है, 16 सैंपल्स यहां पर इसके अंदर है। 16 सैंपल्स के हर सैंपल्स की मीन वैल्यू ली है, मीन वैल्यू का चार्ट यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन मीन वैल्यूज को शो ऑफ कर रही है और ये जो आपको ब्राउन लाइट ब्राउन लाइन दिखाई दे रही है, ये सेंटर लाइन है जो मीन वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू है उस लाइन को, उस पॉइंट को ये शो कर रही है। ये अप्रोक्सीमेटली 752 के आसपास है, तो ये 752 के आसपास इसको शो कर रही है। अपर कंट्रोल लिमिट ग्रीन लाइन से शो की हुई है इस चार्ट के अंदर और लोअर कंट्रोल लिमिट ऑरेंज लाइन से शो की हुई है और ब्लू लाइन से टारगेट लाइन को शो किया गया है। तो अब इस मेन चार्ट में अगर हमें एक्यूरेसी स्टडी करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी सेंट्रल लाइन है उस वो कितनी क्लोज है टारगेट लाइन के। सेंट्रल लाइन टारगेट लाइन के जितनी क्लोज होगी उतना ही हम कह सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है प्रोसेस की, और जितनी ज्यादा ये दूर होगी, ये लाइन टारगेट लाइन से जितनी ज्यादा दूर होगी उतना ही हम कहेंगे कि हमारी एक्यूरेसी प्रोसेस के अंदर सफर कर रही है। अब समझते हैं प्रिसीजन और रेंज चार्ट के बीच के रिलेशन को, के प्रिसीजन को कैसे स्टडी करेंगे रेंज चार्ट के अंदर। रेंज चार्ट ये रेंज वैल्यूज को शो ऑफ किया गया है ब्लू लाइन से और सेंटर लाइन जो है वो इस रेड लाइन से शो की गई है। अपर कंट्रोल लिमिट को ग्रे लाइन से शो किया गया है और इस ऑरेंज लाइन से लोअर कंट्रोल लिमिट को शो किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अब इसमें ये जो हमारी सेंट्रल लाइन है जितनी नीचे की तरफ जाएगी, जितनी ये नीचे की तरफ जाएगी या यूं कहें कि जितनी जीरो के पास आएगी उतना ही हम कह सकते हैं कि हमारी प्रिसीजन मेंटेन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी रेंज जितनी ज्यादा घटेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस जितना कम रहेगा उतना ही हमारी प्रिसीजन मेंटेन होती रहेगी। यही तो है प्रिसीजन का कंसेप्ट, यही है कि इंडिविजुअल वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। तो जितनी ज्यादा इंडिविजुअल वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर होंगी उतनी हमारी प्रिसीजन मेंटेन होगी और जितनी ज्यादा रेंज रेंज की जो हर इंडिविजुअल सैंपल की जो रेंज है जितनी कम होगी उतनी ही उसकी मीन वैल्यू नीचे की तरफ आएगी, तो उसकी सेंट्रल लाइन जो है वो नीचे की तरफ आती चली जाएगी। तो ये सेंट्रल लाइन जितनी नीचे की तरफ आएगी उतना ही हम कहेंगे कि हमारी प्रिसीजन मेंटेन हो रही है और इसी के लिए हमें रेंज चार्ट बनाना पड़ता है ताकि हम प्रोसेस की प्रेसिजन को समझ सकें रेंज चार्ट की हेल्प से। तो आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप मेन चार्ट की हेल्प से एक्यूरेसी को स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रेसिजन को रेंज चार्ट की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से एक्यूरेसी और प्रेसिजन को के कंसेप्ट को समझना जरूरी है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के लिए और कंट्रोल चार्ट्स के लिए। तो अगर आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कंसेप्ट को ठीक से समझ सकें। अगर आपके कोई डाउट है या आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है और क्या आप समझना चाहते हैं। शेक हैंड विद लाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे जब भी नया वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कोर्स नोट्स,
ई-बुक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो टेस्ट पेपर्स हैं, या वेब लर्निंग के लिए आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर, और वहां से कोर्स नोट्स, ई-बुक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे विद मी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।